सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। जब कंगाल हो गए कपिल शर्मा, जीरो बैंक बैलेंस, लेकिन गिनी ने नहीं छोड़ा साथ, बोले पैसे बर्बाद किए। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इंटर न्यूज पर। चैनल बनाए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आज वो सक्सेस के पीक पर हैं। इस मुकाम तक आने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। सफल कॉमेडियन बनने के बाद वो एक्टिंग और प्रोडक्शन लाइन में भी आए, लेकिन बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई। हाल ही में एक पॉडकास्ट में कपिल ने डिप्रेसिव फेज के बारे में बात की है। कपिल ने कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने दो फिल्में प्रोड्यूस कर दी थी, उन्हें लगा पैसा आ गया है, सोचा लोग पैसे से प्रोड्यूसर बनते हैं, लेकिन बाद में पता चला प्रोड्यूसर कभी पैसे से नहीं बनते। प्रोड्यूसर की सोच अलग होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। कपिल ने आगे ये भी कहा कि मैंने काफ़ी पैसे बर्बाद किए, मेरा बैंक बैलेंस जीरो हो गया था, गिनी मुझे एम्स्टर्डम ले गई थी क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, मैंने एकदम से सारा कमाया हुआ पैसा खो दिया था, मुझे लगा इतनी मेहनत से सब कुछ कमाया था सब चला गया, ये कपिल कहते हुए नजर आए। कपिल का मानना है कि अगर उन्होंने ये सब नहीं झेला होता तो शायद आज जिंदगी का जो फेज इंजॉय कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। कपिल का ये भी मानना है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। कपिल ने फिल्म फिरंगी और सन ऑफ मनजीत सिंह प्रोड्यूस की थी, दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं मिली थी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।